Good evening, everyone. My name is Satya Sharma. I am from Department of Journalism and Mass Communication. I am in College of Management. Today, we are talking about Aristotle's model of communication. Aristotle's model of communication is a unique communication tool proposed before 300 BC by the Greek philosopher Aristotle. एरिस्टोटल जो मॉडल है वो ग्रीक के फिलोसोफर ने दिया था जिनका नाम एरिस्टोटल था और उन्हीं के नाम पे ये मॉडल का नाम दिया गया. इट इज अ लीनियर मॉडल दैट पुट्स अ ग्रेटर ऑन्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट अदर मॉडल्स डू. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम वन टू वन किसी से बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो फोन पे, या आप अपने फ्रेंड से, अपने सामने अपने फ्रेंड से, मतलब वन टू वन इंटरपर्सनल. इंटरवर्ड का क्या, जैसे आपने सुना होगा कि ट्वेल्थ को भी इंटर बोलते हैं, इंटर कॉलेज और इंटर पास. इंटर मतलब 10+2, जहाँ पे प्लस की बात हो जाती है वहाँ इंटर, मतलब कि एक से ज़्यादा. तो यहाँ पे हम इंटरपर्सनल में बात कर रहे हैं कि एक, जैसे मैं अभी आप, ये तो इंटरपर्सनल नहीं है, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज के आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप अपनी मदर से बात कर रहे हैं, अपने फादर से बात कर रहे हैं, या आप किसी से भी बात कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है. उसके लिए आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप फेस टू फेस उनसे बात कर सकते हैं, या आप फोन पे उनसे बात कर सकते हैं, या आप वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं. ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है. वहीं पे एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम खुद से बात करते हैं, जिसमें जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ तो ये होता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी, आपकी टीचर ने, आपके टीचर ने आपको बोला कि प्लीज कम टू इन माय ऑफिस, तो जब आप अपनी क्लास से और अपने क्लास टीचर के रूम तक जाएंगे तो आपके दिमाग में हजारों सवाल चलते हैं. आप ये सोचते हुए जाते हैं कि अरे मैम ने मुझे क्यों बुलाया होगा, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, मैं कोई काम तो नहीं देंगी, या मेरे घर पे कोई कंप्लेंट तो नहीं हो गई है. तो आप बहुत सारे, बहुत कंफ्यूजन में रहते हो. तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है कि आप खुद से बात करते हुए जा रहे हो कि न जाने मुझे क्यों बुलाया गया होगा. तो ये होता है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. वहीं पे होता है ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन में जैसे कि हम एक दो तीन चार पांच लोग साथ में बात कर रहे होते हैं, वो ग्रुप कम्युनिकेशन होती है. जैसे कि हम आजकल को आफ्टर कोविड ऐसा होने लगा है कि हम वेबकैम के थ्रू या वीडियो कॉल्स के थ्रू चार पांच लोग साथ मिल के बात करते हैं. ग्रुप कम्युनिकेशन का जो ट्रेंड है, मुझे पर्सनली लगता है कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि कोविड में हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे और हम एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं फ्रेंड्स. तो आपकी दो तीन या चार जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं कि आपने एक वीडियो कॉल पे एक साथ कॉन्फ्रेंस में सबको ले लिया तो आपने बात कर ली, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन. वहीं हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन भी क्या होता है कि अनकाउंटेबल पर्सन, जब जहाँ पे आप बात कर रहे हो और अनकाउंटेबल लोग उसे सुन रहे हैं, या उस पर मतलब जितने भी लोग हैं हमसे, मतलब जब आप कुछ कह रहे हैं और उसे उतने लोग सुन रहे हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी ये लेक्चर आपको दे रही हूँ, हो सकता है जितने लोग अपने फोन से इसे देख रहे हैं, जरूरी नहीं है, वो तो काउंटेबल है, वहाँ दिख जाएगा कि इतने लोगों ने आपका वीडियो देखा. लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि एक से एक ही इंसान वो वीडियो देख रहा है, हो सकता है उसके साथ दो लोग और जुड़े या चार लोग और जुड़े. तो अनकाउंटेबल होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में आप कोई भी न्यूज़ चैनल है या कोई भी एंटरटेनिंग चैनल ले लीजिए, कोई भी एक शो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा का शो आता है, तो उस शो को कितने लोग देख रहे हैं या कितने लोग उससे, बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर भी होते हैं, तो वो आपका मास कम्युनिकेशन का पार्ट है. और एरिस्टोटल मॉडल में हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की. एरिस्टोटल मॉडल इज अ फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो. इससे पहले कम्युनिकेशन का कोई मॉडल नहीं आया था.
ग्रीक के फिलोसोफर एरिस्टोटल वो पहले इंसान थे जिन्होंने कम्युनिकेशन का पहला मॉडल हमें दिया। वहीं अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें इसके 5 पॉइंट्स हैं, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब पहले हम स्पीकर की बात करते हैं, अगर एक स्पीकर होगा तभी स्पीच भी होगी, वो भाषण तभी दे पाएगा, उसके लिए कोई ओकेजन भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब कोई कोई स्पीकर है वो स्पीच दे रहा है तो ऑब्वियसली ऑडियंस होना भी जरूरी है, और ऑडियंस होगी तो आपको फीडबैक भी देखने को मिलेगा, इफेक्ट्स भी दिखेंगे। स्पीकर की जो क्वालिटीज होती है वो है कि मतलब ही और शी इज अ गुड कम्युनिकेटर, उनके आवाज़ में या उनके प्रोनाउंसिएशन में, उनके भाषण में वो मतलब कि इतनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि वो लोगों को कनेक्ट कर पाए। सेकेंड इज स्पीच। स्पीच की बात करें तो कंटेंट, मतलब जो स्पीकर जो कंटेंट यूज कर रहा है वो कंटेंट इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि जो अपनी ऑडियंस है वो उससे कनेक्ट हो पाए, रिलेट हो पाए, ऑडियंस को लगे कि हाँ ये हमारे ये भी बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी इलेक्शन रैली वगैरह का, कि ओकेजन, जैसे एक ओकेजन होना चाहिए। जैसे आप देखा होगा इलेक्शंस जब आते हैं तो रैली बहुत ज़्यादा होती है, वो ओकेजन ऐसा है क्योंकि पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए पार्टी को जिताने के लिए, तो जो इलेक्शन का टाइम है वो एक ओकेजन है जिस टाइम पे हम ज्यादा जिस टाइम पे पॉलिटिशियन ज्यादा से ज्यादा रैली करते हैं, या वहीं पे अगर हमारे सीएम है या हमारे पीएम है, कोई भी किसी की पुण्यतिथि पे, किसी के जन्म दिवस पे कोई रैली करते हैं, तो जो वो पुण्यतिथि है वो ओकेजन है। एक ओकेजन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो कोई कोई रैली नहीं कर देगा ना, कोई कोई तो उसका रीजन होना चाहिए रैली करने का या भाषण देने का। फोर्थ इज ऑडियंस। ऑडियंस इस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर ऑडियंस ही नहीं हो तो स्पीकर बात किससे करेगा, किसको अपनी तरफ अफेक्ट किससे बात करेगा, या किसको अपने भाषण में जो स्पीच जो उसने लिखी है या जो वो कहना चाहता है लोगों से कनेक्ट होना चाहता है, जब लोग ही नहीं होगा तो वो कनेक्ट किससे होगा, और जब वो कनेक्ट ही नहीं होगा तो इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल मैं फिर से आपको वही देती हूँ इलेक्शंस का। जैसे इलेक्शन के टाइम में अगर कोई मान लीजिए हमारे सीएम ने कोई रैली की और रैली पूरा मंच तैयार है, ये वहाँ पे भाषण देने के लिए भी रेडी है, लेकिन अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो भाषण किसको देंगे, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, अगर उन्हें वोट चाहिए तो ऑडियंस से बात करनी पड़ेगी ना, और ऑडियंस होना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफेक्टेड जो टाइम इलेक्शन के टाइम पे जो रिजल्ट आते हैं वो आपका इफेक्ट है, आपका फीडबैक है कि आप किस तरीके कि आपने स्पीच दी या किस तरीके से आपने लोगों को कन्विंस किया, जिसका रिजल्ट आप अपनी पार्टी में देखते हैं, चाहे वो मतलब बेकार हो या अच्छा हो। ये है एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटल का एक छोटा सा मॉडल, जिसमें हम पहले आता है स्पीकर, फिर स्पीच, ऑडियंस, इफेक्ट, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ओकेजन। ओकेजन एक बहुत मतलब कहेंगे ना एक मेन पॉइंट है, क्योंकि हर चीज़ को करने का एक टाइम होता है, बिना किसी टाइम के आप कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं कर देते, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल के जो 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एरिस्टोटल मॉडल जो है बुक्स, पैथोस और लोगोस। ये एरिस्टोटल के 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक स्पीकर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैटर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इथोस की। इथोस इज मेनली योर पर्सनल क्रेडिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हम आपकी मतलब इसमें
आपके स्पीकर की क्रेडिबिलिटी या एक इंडिविजुअल इंसान की क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। लोगों को, ऑडियंस को उस पे फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहा है या कह रही है उसमें कुछ सच्चाई होगी। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो हम यकीन कर सकते हैं। होता है ना जैसे कि जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ तो दो फ्रेंड्स, आपके मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है जिनमें आपने देखा कि एक फ्रेंड है जो कभी भी आके कुछ भी कह जाता है, और जब आप देखते हैं तो वो मतलब चेक करते हैं तो वो चीज़ें गलत होती हैं। वहीं पे आपका दूसरा फ्रेंड है जो कुछ कहता है और आपको लगता है कि, और आप चेक करते हो ठीक है, तो आप बिलीव करने लगते हो। जब आपकी फ्रेंड की दो बातें ठीक निकले और दूसरे फ्रेंड की दो गलत निकले, तो जिसकी बात ठीक निकली है उस पर आपको एक ट्रस्ट होने लग जाता है, एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि नहीं अगर ये कुछ कह रहा है तो आप भरोसा कर सकते हो, ऐसे ही नहीं वो कुछ भी कह रहा होगा। फिर हम बात करते हैं पैथोस की। पैथोस इज क्रिएटिंग एन इमोशनल अटैचमेंट विद योर ऑडियंस। एक इमोशनल अपील होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपनी ऑडियंस के साथ, अपने कहते हैं ना अपनी जनता के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई भी हो सकता है, अगर आप उनके साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को वो नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आपको उनसे इमोशनली जुड़ना होगा, उनको उनकी प्रॉब्लम्स देखनी होंगी, फेस के वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। तो पैथोस में जब बात होती है तो इमोशनल अचीवमेंट ही होती है कि आप इमोशनली कितना लोगों से अटैच्ड हैं। लोगोस इज योर रीजनिंग एंड योर लॉजिक दैट अपील्स टू योर ऑडियंस। इसमें लोगोस में हम बात करते हैं फैक्ट्स, क्योंकि आप कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हर चीज का एक मतलब ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, एक रीजनिंग होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए जिसके बिहाफ पे आप बात करते हैं। आप ऐसे ही कोई भी बात नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा की कि हम दिल्ली के लोगों को 200 या 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अगर वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि हम पूरी बिजली फ्री कर देंगे या पूरा ही पानी फ्री कर देंगे, ऐसा नहीं कहा ना, क्योंकि लॉजिकल पॉसिबल नहीं है वो चीजें। अगर उन्होंने कहा कि 200 यूनिट हम आपको फ्री दे देंगे तो उन्होंने फैक्ट देखे, चीजें चेक करें कि इज इट पॉसिबल और नॉट, क्योंकि हवा में बात नहीं कर सकते। अगर आप एज अ लीडर, एज अ स्पीकर कहीं कोई स्पीच दे रहे हो तो आपको फैक्ट्स पे बात करनी होगी, ऐसे ही आप नहीं बात कर सकते हो। आपके पास वो फैक्ट्स होने चाहिए कि इज इट पॉसिबल और नॉट। अगर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी, ऐसे तो नहीं है। अगर वो ये कह देते कि नहीं आपको जितनी बिजली पानी यूज करनी है आप करिए, आप बिल्कुल फ्री हैं, तो इस तरीके से तो बिजली और पानी का वेस्टेज भी ज्यादा होगा और दूसरी बात कि लोगों को फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी और ये पॉसिबल भी नहीं है। आप कैसे किसी एक स्टेट का पानी और बिजली फ्री कर सकते हो? एक लिमिट तो रखनी पड़ेगी ना, जिसके लिए हमने एक लिमिट रखी कि 200 यूनिट तक ही आप फ्री ले सकते हो। अगर 200 यूनिट से ज्यादा आपके इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग आती है तो आपको भी पे करना होगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आई, लोगों ने सोचा कि नहीं अरे फ्री रखना है तो 200 यूनिट तक रखना है, अच्छा वेस्ट लाइट वेस्ट मत करो या पानी वेस्ट मत करो, कहीं पे एक्स्ट्रा या कोई लाइट जली है तो बंद कर दो, या कहीं पे पानी बह रहा है तो उसको बंद कर दो। एक अच्छे स्पीकर में ये तीनों कंपोनेंट होना भी जरूरी है, इथोस, पैथोस, लोगोस। मतलब उसे तीनों चीजों की समझ होनी चाहिए, उसे अपने ऑडियंस से जुड़ने के लिए इन चीजों का पता होना चाहिए। एक स्पीकर जब तक अपनी ऑडियंस से इमोशनली फैक्टफुली और पॉइंट्स पे बात नहीं करेगा या उनसे रिलेट नहीं कर पाएगा, तब तक आपको एक अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा।
और एरिस्टोटल मॉडल के अलावा कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो नॉसवेल मॉडल है, ऑस्गुड मॉडल है, शैनन एंड वीवर मॉडल है, ऐसे आपको बहुत सारे मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के जो आपको और बुक्स में या यूट्यूब वगैरह पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चेन है जो वर्ड टू मतलब कि चेन की तरह चलती है। हर किसी को कम्युनिकेशन की जरूरत है, चाहे आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं या नहीं है, कम्युनिकेशन सबको चाहिए। कम्युनिकेशन एक ऐसा बेसिक बेसिक नीड है एक ह्यूमन बींग की, इवन मैं ये कहूँगी ह्यूमन बींग की ही नहीं, एनिमल्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है जिसमें वो बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन सबके लिए ज़रूरी है, जो भी लिविंग थिंग चीज़ें हैं हर किसी को कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेसिक नीड है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक छोटा बच्चा, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है तो उसके भी वो बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे जेस्चर्स पोस्चर्स होते हैं जिससे आप चीज़ों को समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा रो रहा है तो आपको लगेगा कि शायद उसे भूख लगी है, अगर वो स्माइल पास कर रहा है तो आपको लगेगा कि अरे तो बहुत खुश है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी साइकिल है जो एक इंसान के जन्म लेने से स्टार्ट हो जाती है। कम्युनिकेशन हर किसी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट कम्युनिकेशन मतलब मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के बिना जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। आप चाहे ज़रूरी नहीं है आप वर्बली हो, बहुत से लोग जैसे जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जो लोग क्या कहते हैं देख नहीं पाते हैं, उनकी भी अपनी लैंग्वेज है जो स्पेसिफिकली जिससे वो अपनी बात को कह पाते हैं, सुन पाते हैं या बोल पाते हैं। क्योंकि जब तक सामने वाले को समझने का एक तरीका होना चाहिए, जैसे कि जेस्चर्स हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी के आपके इशारों से समझ जाते हो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, या कई बार आपके हाथों के इशारे आपको पता है, जैसे कि जैसे साइन, जैसे आप जब कहीं रोड पे जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं पे टॉयलेट के लिए एक बोर्ड बना होता है, तो वहाँ कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ बोर्ड बना है उससे आप समझ गए। सेम पेट्रोल पंप के लिए एक छोटा सा फ्यूल का बॉक्स बना है, लिखा कुछ नहीं है तो आप समझ गए। कहीं पे कोई रेस्टोरेंट है तो उसके लिए भी साइन, साइन साइन जैसे जेस्चर पोस्चर है, ऐसे साइन भी एक लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू आप समझ जाते हैं कि आगे क्या चीज है और क्या नहीं। ये एरिस्टोटल का मॉडल था और इट्स द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं मैंने आपको बताए, और उनको ज़्यादा जानने के लिए आप बुक्स या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रखता है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है, वो आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू सो मच।